अच्छा अभी शाम को एक अभी सेशन ख़त्म हुआ, फाइनली 5 से 6 लोगों का ग्रुप था अकाउंट्स का। उन लोगों ने GST रिटर्न क्वेश्चंस, और बहुत वो लोग सेटिस्फाइड होके गए, जो क्वेश्चन थे सब क्लियर हुए। लेकिन 6 से जो वर्किंग कर रहे थे वो यहाँ पे आ भी गया, सबसे डिस्कशन भी हो गया, और काफ़ी अच्छा सेशन रहा। इवनिंग के भी कुछ सेशंस अकाउंट्स के हो सकते हैं, जिनको जो चीज़ें क्लियर नहीं हो कभी कभी वो शेयर करके बता सकते हैं, क्योंकि इवनिंग में छुट्टी के टाइम में जो वर्क कर रहे हैं वो आ सकते हैं। एवन मीडिया में एक कल सुबह कंफर्मेशन करना है इवेंट मैनेजर और सीनियर अकाउंटेंट के लिए। SG इंडस्ट्री में फीमेल सुपरवाइजर चाहिए। जवान लड़का रही है रात में सुबह से बोलते हुए, हैविंग नॉलेज ऑफ स्विंग उनके लिए। और कमल ग्रुप में सेल्स एक्सिक्यूटिव हेल्पर बिलिंग फॉर स्पार्क नगर हैविंग एक्सेल नॉलेज, पैकेज फ्रेशर वाला है, 8 से 10 के बीच का पैकेज है स्पार्क नगर के लिए। कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर ट्रांसपोर्ट नगर वी लुकअप आता हो, 9 से 12 के बीच में पैकेज हो सकता है, 9 से 11 मान के चलिए 12 दिन। ये जो लोग चाहते हैं कल उनको जाना है सेल्स के लिए, कानपुर उन्नाव फतेहपुर कन्नौज के लिए कल ये कन्फर्मेशन मिल गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिलिंग जो और फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिनको बिलिंग और कंप्यूटर ऑपरेटर बन के लिए हैं उनके लिए ये पैकेज है 8 से 10 के बीच में। कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 9 से 10 के बीच का पैकेज है, 9 से 11 के बीच का पैकेज है। SG इंडस्ट्री में फीमेल सुपरवाइजर चाहिए जिनको स्विंग का थोड़ा सा नॉलेज हो। एवन मीडिया का मैंने बता दिया आपको। कल्याणपुर और माल रोड के लिए जूनियर लेवल पे जो अकाउंट्स में काम करना चाहते हैं CA के अंडर में, उनको नॉर्मल 10 तक का ही पैकेज मान के चले, इसके ऊपर ये नहीं जाएंगे। कल 12 से 2 में भेजना है। ये इंटरव्यू कल्याणपुर में होगा, बट इनकी रिक्वायरमेंट 2 जगह पे, कल्याणपुर और माल रोड में। ये जूनियर लेवल के मैं आपको बता रहा हूँ। सिग्मा में फिटर एक्सिक्यूटिव जो फ्रेशर फिटर है, ये 10 से 12 के पैकेज में जाएंगे। कल 3 से 6 उनका इंटरव्यू है। ग्लोबल क्राफ्ट में प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, ये 11 से 12 के ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि ज़्यादा सैलरी वाले कतई मत जाएं। सेल्स एक्सिक्यूटिव 10 से 12 का पैकेज है। TA 2 से 5 में कल जाना है। सुप्रीम इंडस्ट्री में कल फिर टाइम मिल गया है। मैकेनिकल मेंटेनेंस के बंदे जाएंगे, फिटर एक्सपीरियंस वाले जाएंगे, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन जाएंगे, और फ्रेशर फिटर जाएंगे। टोटल प्रिसीजन में जूनियर अकाउंटेंट के लिए कल फिर पंकी में 4 से 6 के बीच में जाना है। सुप्रीम इंडस्ट्री में मैकेनिकल मेंटेनेंस फिटर एक्सपीरियंस फिटर इलेक्ट्रीशियन 11 से 1 के बीच में जाएंगे। माई GST कैफे में हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर MBA फीमेल ऑफिस सेल्स कोऑर्डिनेटर, ये मालरोड के जो लोग हैं वो कर सकते हैं। MBA फीमेल ऑफिस सेल्स कोऑर्डिनेटर, MBA मेल सेल्स कैंडिडेट 20 तक का पैकेज है। हार्डवेयर नेटवर्किंग में 10 का पैकेज है। MBA सेल्स 10 तक जा सकते हैं। बिहारी लाल ट्रेडर्स की रिक्वायरमेंट है। ये इनकी रिक्वायरमेंट बेसिकली 2 हैं। ये जो काठमांडू में अपने को शिफ्ट करना चाहते हैं, देश से उग चुके हों, भारत भ्रमण बाहर जाना चाहते हों, विदेश यात्रा में काम करना चाहते हों, विदेश को बाहर से इनका एक्सपीरियंस है, तो इसमें इनको BTEC मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए। एक्चुअल में ये जो बेसिकली इनकी एक फैक्ट्री वहाँ पे ये डाल रहे हैं अपनी, वहाँ पे मतलब पड़ी चुकी है फैक्ट्री, ये BTEC मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर 25 तक का पैकेज। लैब केमिस्ट हैविंग अ साउंड नॉलेज ऑफ कंपाउंडिंग एंड क्वालिटी, मतलब जिसको क्वालिटी में जिसमें मसाले में काम किया हो। पप मशीन ऑपरेटर, FMCG पैकिंग मशीन ऑपरेटर, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। लैब केमिस्ट पैकेज कुछ भी हो सकता है, 60, 70, 80 कुछ भी हो सकता है। लॉजिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है काठमांडू में, कल कंफर्म करके भेजना है। तो जो लोग चाहते हों, जो स्पाइस से हों, क्वालिटी में देखा हो, साथ ही साथ में BTEC मैकेनिकल मेंटेनेंस के, और काठमांडू में सेटल होना चाहते हों, लॉजिंग की व्यवस्था है, फूडिंग की उनको खुद अपने लेवल पर करनी पड़ सकती है, यही सच है। कपिला पशु आहार में सुपरवाइजर चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए इनको 22 से 25 के पैकेज के लिए। सॉल्वेंट ऑपरेटर चाहिए 10 से 20 के पैकेज के लिए, 20 तक जा सकता है सुपरवाइजर, 20 तक जा सकता है, सॉरी 20 तक जा सकता है सुपरवाइजर, 12 से 15 के बीच में रहेगा। सत्येंद्री
अजमनी की स्वरूप नगर की रिक्वायरमेंट है, कल 12 से 5 का एक कन्फर्मेशन देंगे, एक्सपीरियंस अकाउंटेंट एक्सपर्ट इन टैली जीएसटी रिटर्न एंड आईटीआर। मोदी स्प्रिंकल्स में 5 ईयर एक्सपीरियंस अकाउंटेंट, कल 11 से 5 बजे का भेजना है, कल सुबह एक बार और कन्फर्मेशन करके आपको बता देंगे। जो लोग जाना चाहते हो ये यहीं पे पास ही में, कोई दूर नहीं है, तो इसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस अकाउंटेंट कम गोडाउन मैनेजर सेल्स एक्सिक्यूटिव, इनकी रिक्वायरमेंट है। महाश्री इंटरप्राइज में ये रिक्वायरमेंट है रामा देवी के पास की, मेच्योर फीमेल रिसेप्शनिस्ट मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव, कल कंफर्म करना है तब आपको भेज पाएंगे। वैसे इसी कंफर्मेशन लगभग है, कल सुबह एक बार बस चेक करना है। ये नेक्सा में आज लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया और मुझे भी ध्यान नहीं रहा सुबह से भेजने के लिए, रिसेप्शनिस्ट में भेजना है, टेलीकॉलर, इवेल्युएटर, सेल्स एक्सिक्यूटिव और आरएम, ये 4 प्रोफाइल्स हैं। महिंद्रा में आज अकाउंटेंट के इंटरव्यू हुए हैं, सीनियर के, जूनियर के, कल भी हो सकते हैं, कल सुबह एक बार कन्फर्मेशन लेना है। ये मैंने आपको मेजर रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं कि किन किन रिक्वायरमेंट्स में कल अभी भेजना कन्फर्मेशन हुआ है। चूंकि आज मंडे था, सैटरडे का रोजगार मेला का रिजल्ट भी निकला था, सारी टेक्निकल कंपनियों में कैंडिडेट्स को भेजा भी गया था, कंपनियों में बात भी करनी थी तो कंपनियों से बात भी कर रहा था, फेस टू फेस हम लोग बात करते हुए सब कैंडिडेट्स को भेज भी रहे थे। तो सभी जगह पे अभी, और जिन लोगों ने इंटरव्यू दिए थे, जिन लोगों के जहाँ पहले इंटरव्यू थे वहाँ से भी कन्फर्मेशन नहीं ले पाए हैं, बहुत कुछ छूट भी गया क्योंकि दिन खत्म हो जाता है, तो उसमें कन्फर्मेशन कल अब लिए जाएंगे। जिन जिन कंपनियों में पुराने में था, कुछ लोगों ने दिया था, कन्फर्मेशन नहीं हो पाया था, कुछ लोगों के मुझे आज पैसे मिलना चालू हो गए, सर मैंने इस कंपनी में इंटरव्यू दिया है, रिज्यूम भी देना लोगों ने चालू कर दिया, तो उससे हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया, हम उस कंपनी में बात करके सीधे पूछ सकते हैं कि किसका कहाँ पे है। अगर किसी का कुछ छूट गया है, नहीं बता पाया, तो दोबारा से भी एक बार आप लोग बता सकते हैं। मैंने आपको मेन बता दिया कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स में नहीं हो पाया, थोड़ा सा आप लोग भी रिमाइंडर का काम करेंगे। देखिए, ये जो डेली जॉब न्यूज़ बनाया गया और जो mysorejob.com पोर्टल है, उसका पर्पस ये है कि मुझे कैंडिडेट्स को एक एक फ़ोन करके नहीं बताना पड़े। आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं किसी को मेरे लगता है कि सभी एजुकेटेड हैं, अब केवल फ़ोन करके सर हमने हमारा वहाँ पे आईडी बन चुका है, सर मुझे कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, ये सिस्टम ही ख़त्म हो गया है अभी हमारे यहाँ से। हम लोग सिर्फ कैंडिडेट या तो फिजिकली वो यहाँ पे आए, अदरवाइज पोर्टल में देखें, डेली जॉब न्यूज सुने, अगर उसको कोई प्रोफाइल अपनी मर्जी की दिखाई दे तो वो उसको यहाँ पे भेजे और या खुद चलाए उसके सामने बात कर लेंगे, व्हाट्सएप में भेजे। अभी कुछ लोग कर ये रहे हैं कि जो कंपनी के सामने उसमें रिज्यूम भेज देते हैं, कंपनी के पोर्टल में, जो पोर्टल में जो कंपनी का नाम है उसके सामने आप रिज्यूम भेजेंगे और रिज्यूम उल्टा मेरे पास फिर से आ जाएगा, तो आपके कई रिज्यूम की सॉफ्ट कॉपी मेरे पास एक साथ आ जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। कानपुर में अगर हमें आपको अलग अलग प्रोफाइल्स में भेजना है तो हमें वहाँ पर सीधे बात करनी पड़ती है, आपके बारे में बताना पड़ता है, उनका थोड़ा आपके बारे में नज़रिया पहले से बनाना पड़ता है, फिर देने के बाद भी नज़रिया बदलना पड़ता है, और फिर पैकेज में आकर के बात फंसती है तो वहाँ भी करना पड़ता है। छोटी बात नहीं है ये, इनको आप छोटी बात नहीं कह सकते हैं। मेरे ख्याल से इन बातों को भी समझना ज़रूरी है। दूसरी बात, एक जुगाड़ तंत्र से किसी की भी एंट्री कहीं नहीं कराई जा सकती है। आप एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, आपके रिज्यूम में जो लिखा है और जो कंपनी को चाहिए वो काफ़ी हद तक अगर मिसमैच हो रहा है, कि आपने किसी सेक्टर में किसी प्रोफाइल में और मैं आपको दूसरे सेक्टर की किसी दूसरी प्रोफाइल में आपको पुश नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस जगह पे भी आपको समझना है कि वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है और हमारे रिज्यूम में लिखा क्या है, ये जब तक नहीं आएगा वो पैकेज लाना आसान नहीं होता है। इसलिए एक बात जरूर ध्यान रख करके चलिए कि आपके रिज्यूम को और आपके स्किल्स को और इवन आप वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ पे आपके बातचीत के तरीके उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक कैंडिडेट कह रहा सर आप हमें सिखाएंगे तो कर लेंगे, नहीं होगी ज्वाइनिंग। एक कैंडिडेट कह रहा हम कर लेंगे और वो गया वहाँ पे और करना चालू किया और उसे करके लेके भी गया। यानी कि आप अगर किसी कंपनी के अंदर एक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो उस कंपनी का जो सिस्टम है सब काम का वो खुद आपको सब कुछ सिखा देगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। बट 20% उनको नजर आए कि हाँ आप उसकी प्रोफाइल उससे मैच हो रही है, इस पॉइंट को समझना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करियर पॉइंट उसे जाना चाहते हैं। तो कोई हमें कर दे सर आप हमें करा दीजिए, हमारा जुगाड़ लगा लीजिए, यहाँ से काम नहीं होगा।
हमारे पास क्या कमी रह रही है। देखिए आज भी शाम का जीएसटी सेशन दोबारा से हुआ, उन लोगों के लिए जो चाहते थे कि कल मेरी सर ज्वाइनिंग है, मुझे इन चीजों में दिक्कत हो रही है, मैंने उनके लिए अलग से सेपरेट सेशन हुआ है। अगर आप में से भी चाहते हैं कि कुछ एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूटर के साथ बैठ पाएं, सीख पाएं, रिज्यूम को भी डेवलप करें और आप जा पाएंगे, बहुत फर्क उन बातों का पड़ता है। मेरे ख्याल से आपके अंदर वो स्किल पैदा कर दी जाए, आपके अंदर वो काम आपको आ जाए, तो ये बहुत बड़ी सेवा है, ये छोटी मोटी सेवा नहीं है। बजाय सिर्फ आपकी आपको हमारा आपका आपके यहाँ आईडी बन गया तो हमारा करा दीजिए सब जगह, उससे सब कुछ नहीं होना है। आइए मिल करके हम सीखें भी, डेवलप भी करें, रिज्यूम को भी चेंज करें, पार्टिसिपेशन भी करें, कॉन्फिडेंस को भी लाएं, और कभी कभी अगर हमारा फेलियर हुआ या देर से आया तो उसमें कतई बिना परेशान हुए लगे रहें। पानी अगर खोदा जाएगा, छेद किया जाएगा, तो निश्चित रूप से रिजल्ट जरूर आएंगे, आउटपुट आएंगे। बट ये फेथ, ये विश्वास इस हमारे सिस्टम को हो, हमारे ऊपर हो, बट उसके साथ में आपके ऊपर ज़्यादा हो। ये ना सोचिए सर करा देंगे सब कुछ, सर करा देंगे तभी, क्योंकि आपको चीज़ें आती इसलिए सर को कराना आसान है। मैंने फिर से बातें कुछ क्लियर करी हैं, जोश बना के रखिए, एक एक प्रोफाइल एक एक चीज़ों को देखिए, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। थैंक यू फॉर टुडे, डेली जॉब न्यूज़, mysorejob.com।